हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो दोस्तों आप सभी को वीडियो को सही तरीके से अपलोड करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से वीडियो को अपलोड नहीं करते तो आपके वीडियो में व्यूज भी नहीं बढ़ेगा, साथ ही आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को वीडियो को सही तरीके से अपलोड कैसे करते हैं इसको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना होगा, उसके बाद दोस्तों क्रोम के सर्च बार में यहाँ पर यूट्यूब डैशबोर्ड लॉगिन लिखना होगा। इसको लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको सर्च कर लीजिए। अगर देखिए मैं सर्च करता हूं दोस्तों यहां पर यूट्यूब डैशबोर्ड, इसको सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यूट्यूब डैशबोर्ड डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं मेरा ओपन हो गया। उसके बाद दोस्तों ओपन होने के बाद यहां पर ऊपर साइड में देख सकते हैं एरो है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप इस क्रोम से अपलोड करते हैं तो आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एक वीडियो को ग्रो कराने में। अगर आप यूट्यूब से करते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको एरो पर क्लिक करने के बाद यहां पर फाइल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने गैलरी या फिर अपने फाइल से अपनी वीडियो को अपलोड कर लीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं मैं अपनी फाइल पर क्लिक करने के बाद यहां पर वीडियो है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसे अपलोड कर देता हूं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मेरा वीडियो अपलोड होने लगी। यहां पर वीडियो अपलोड होने के साथ ही यहां पर देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको यहां पर अपना थंबनेल लगाना होता है। यहां पर अपना थंबनेल इस पर क्लिक कर आप अपने गैलरी से या फिर फाइल से अपने थंबनेल को यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपना थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर नीचे साइड में ऑप्शन मिलेगा, अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं तो एस कर दीजिए, अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाते तो नो ही रहने दीजिए। उसके बाद नीचे साइड में देख सकते हैं सी मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों टैग लगा लीजिए यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो होता है, जो आप अपनी वीडियो अगर आप इंडिया में रहते हो तो हिंदी कर लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप सभी को सही से भर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप नहीं भर पाते तो मेरी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैसे क्या कर रखा है, आप सभी को इसी तरह कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन है तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन इनेबल कर लीजिए, अगर आपका नहीं है तो आपका ऑप्शन नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक क्या इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर अगर अपनी वीडियो में आई बटन लगाना हो या फिर आई बटन एंड स्क्रीन लगाना हो तो दोस्तों यहाँ पर एंड स्क्रीन भी इसी से क्रोम से लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड कर ही अपनी वीडियो को सही से देख लेना, उसके बाद आप पब्लिक कर सकते हैं, इससे आपका वीडियो में काफ़ी तेजी व्यूज आएगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। इसी तरह मैंने भी अपनी वीडियो में करता हूं, तभी मेरी वीडियो काफ़ी तेजी ग्रो हुआ और काफ़ी तेजी चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आप एक नई वीडियो में।